जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग माइनर एक्ट के सवाल को देखेंगे। चार माइनर एक्ट कवर किया गया है इसमें, मतलब कि एक तरह से कहिए कि जो स्पेशल एक्ट किया है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट, जेजे एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसका कि अभी तक बहुत कम वीडियो आया हुआ है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन सवालों में से आपके एग्जाम में सवाल रहने रहने ही रहने हैं, ये मेरा अपना दावा है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, तो मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसलिए जो 28 का एग्जाम है उसे आप बड़े जोश खरोश से और जुद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग जरूर सफल होंगे। चलिए इसी शुभकामनाओं और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। जो पहला माइनर एक्ट आएगा यह है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट से संबंधित अभी सवाल आपको आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को रखा गया है। कोई भी इसमें यूजलेस सवाल रखने की कोशिश नहीं की गई है, कोशिश ये है कि आपके एग्जाम में सवाल इससे आए। मेरी तरफ से यह बेहतरीन वीडियो है। अगर आपको किसी भी सवाल पर डाउट है और आपको अगर लगता है कि उसका उत्तर गलत है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं सभी के कमेंट देखता हूं और उसके रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल आपके लिए, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? आरटीआई एक्ट 2005 केम इन टू फोर्स। ऑप्शंस आर 12 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 2005, 15 जून 2005 या 1 नवंबर 2005। क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 2005 को जो है यह आरटीआई एक्ट लागू हुआ। जब यह एक्ट बना उसके 120 दिन के बाद यह लागू हुआ था। चलते हैं दूसरे सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता है? जो इंफॉर्मेशन है आरटीआई एक्ट के तहत उसके अंतर्गत जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन नहीं आता है? लॉग बुक्स, फाइल नोटिंग्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फॉर्म या सर्कुलर्स। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फाइल नोटिंग्स जो है वो इंफॉर्मेशन की श्रेणी में नहीं आता है। नोटिंग क्या है? एक तरह से इंटर डिपार्टमेंटल फॉरवर्डिंग होता है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई चीज लिखा नहीं जाता है, क्योंकि अगर नोटिंग पर अप्रूवल होता है तो उसके ऊपर एक लेटर निकल जाता है। इस लेकर के फाइल नोटिंग्स को जो है इंफॉर्मेशन की श्रेणी में परिभाषा में नहीं रखा गया है। चलते हैं आगे। तीसरा सवाल है, अधिनियम के तहत जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इसके तहत सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारी इस प्रकार है। मतलब कि कौन जो है सार्वजनिक प्राधिकरण में नामित अधिकारी है जो कि इस तरह के अनुरोध प्राप्त करते हैं? ऑप्शंस हैं अपीलेट अथॉरिटी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर सार्वजनिक प्राधिकरण कार्यालयों में बनाया जाता है। चौथा सवाल है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? सवाल छपेगा, आसान है पर छपेगा, 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 30 दिन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, 30 दिन जो है। चलते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? क्या ये 48 घंटे, 24 घंटे, 5 दिन या 10 दिन? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 48 घंटे जो है इसका सही उत्तर है। चलते हैं छठे सवाल पर। यदि किसी तीसरे पक्ष के हितों के लिए मांगी गई जानकारी में शामिल है, मतलब कोई जानकारी मांगी गई है उसमें कोई थर्ड पार्टी का हित है, तो जानकारी प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या होगी? क्या ये 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 60 दिन? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन इसका जो है वो सही उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल पर।
सवाल नंबर 7, यदि मांगी गई जानकारी को तीसरे पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई है या उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है, तो नोटिस जारी किए गए नोटिस के जवाब में तीसरे पक्ष को पीआईओ से पहले एक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मतलब इफ इंफॉर्मेशन सॉट हैज बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द आईपीओ इन रिप्लाई टू द नोटिस इशू। कितने दिन के भीतर में दे सकता है? 5 दिन, 10 दिन, सॉरी 5 दिन, 15 दिन, 10 दिन या 7 दिन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन के भीतर उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना है थर्ड पार्टी को पीआईओ के सामने में। देखिएगा ये सवाल, इनमें से ही सवाल आएंगे, ये बाउंसर्स हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही आसान, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने का शुल्क क्या है? क्या 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 10 रुपये? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10 रुपये, और ये सवाल पूछा जा चुका है। नवा सवाल, निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से या पीआईओ के निर्णय की प्राप्ति से कितने दिनों के भीतर आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील दी जा सकती है? पहली अपील की टाइम पीरियड क्या है? क्या ये 30 दिन है, 45 दिन है, 60 दिन है या 90 दिन है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रथम अपील को प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटाया जाएगा? क्या ये 40 दिन है, 30 दिन है, 60 दिन है या 50 दिन है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन के भीतर। 11वां सवाल, यदि आवश्यक हो तो पहली अपील को निपटाने की अवधि 30 दिनों से 10 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए 10वें सवाल से इंटरलिंक है 11वां सवाल, कि अगर 30 दिन में नहीं हो पाता है तो कितना समय बढ़ाया जा सकता है? क्या 10 दिन, 30 दिन, 15 दिन या 25 दिन? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन तक उसे बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। आरटीआई अधिनियम का लंबा शीर्षक प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में निम्नलिखित गुणों को बढ़ावा देना है। द लॉन्ग टाइटल ऑफ आरटीआई एक्ट सीक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। क्या ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, पंचुअलिटी लाएगा, एफिशिएंसी लाएगा या रिपुटेशन लाएगा? तो आरटीआई किस लिए आया है? आरटीआई आया है ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए। चलते हैं 13वें सवाल पर। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के लिए दूसरी अपील आवेदक द्वारा कितने दिनों के भीतर पसंद की जा सकती है, जिस तारीख को निर्णय दिया गया या होना चाहिए था? इंग्लिश में सवाल देखिएगा, सेकेंड अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन वॉज गिवेन और शुड हैव बी। क्या 30 दिन है, 45 दिन है, 60 दिन है या 90 दिन है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 90 डेज इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 14वां सवाल है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की नियुक्ति समिति में शामिल होते हैं। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के में कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू द नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर या ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। 15वां सवाल, आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित से जानकारी लेने का अधिकार देता है। द आरटीआई एक्ट गिव्स राइट टू सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्राइवेट कंपनीज, एमएनसीज, पब्लिक अथॉरिटीज या एसोसिएशंस। तो आरटीआई जो है किससे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी लेने का अधिकार देता है। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। सवाल नंबर 16 है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब चीफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है
वो कौन अपॉइंट करता है उसको, क्या प्रेसिडेंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं या होम मिनिस्टर करते हैं। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करते हैं। 17वां सवाल, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिस तिथि से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है या जब तक वह कितने वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भी पहले हो। क्या ये 6 साल 66 वर्ष, 5 साल 70 वर्ष, 5 साल 65 वर्ष या 5 साल 60 वर्ष है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 5 साल या 65 साल जो है, अगर वो या तो 5 वर्ष की अवधि पूरा कर ले या 65 वर्ष जो पहले कर ले, उनको वहां से रिटायर होना पड़ता है, अपना पद छोड़ना होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18 है, आरटीआई अधिनियम 2005 लागू होने के 10 दिन बाद लागू होता है। पहले सवाल में ही मैंने इसे बता दिया आपको, ऑप्शन है 120, 75, 100 या 120। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन के बाद यह लागू होता है। 19वां सवाल, आरटीआई अधिनियम 2005 पर अधिनियमित, मतलब आरटीआई एक्ट 2005 इनएक्ट ऑन, ये पहला था और अब दूसरा सवाल है कि कब ये इनएक्ट हुआ है, 2 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005 या 26 जनवरी 2005। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 जून 2005 को यह इनएक्ट हुआ, 120 दिन बाद यह लागू हुआ। कमेंट करके बताइएगा कि यह किस डेट को लागू हुआ, जो कि पहले सवाल का उत्तर था। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20 है, आरटीआई अधिनियम 2005 का कौन सी धारा सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्वों के बारे में बताता है, मतलब ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में बताता है, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 4 का 1 या सेक्शन 8। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 4 के 1 में इसके बारे में बताया गया है। 21वां सवाल देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में गठन से संबंधित है, सेक्शन 11, सेक्शन 16, सेक्शन 14 एंड 15, सेक्शन 12 और 13। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 12 और 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से संबंधित है। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रस्तावना आरटीआई अधिनियम में कहा गया है कि प्रस्तावना आरटीआई अधिनियम में कहा गया है कि सूचना की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, द प्रीएम्बल टू द आरटीआई एक्ट स्टेट्स दैट ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू, किसके लिए है, इवेलुएट करप्शन, कंटेन करप्शन, प्रमोट करप्शन या मेजर करप्शन। तो जो आरटीआई आया था ये किस लिए आया था, ये आया था कंटेन करप्शन, कि किस चीज में कितना करप्शन है उसको जानने के लिए यह आरटीआई एक्ट आया था, उस ट्रांसपेरेंसी को। चलिए देखते हैं 23वें सवाल पर, आरटीआई अधिनियम का कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है, महत्वपूर्ण धारा, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 11 या सेक्शन 7। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 8 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील के निपटान की समय सीमा कितनी है, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील बाय द फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी, 10 से 15 दिन, 30 से 45 दिन, 50 से 65 दिन या 70 से 90 दिन। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 से 45 दिन के भीतर। चलते हैं अगले सवाल पर, आरटीआई अधिनियम लागू नहीं है, किस पर लागू नहीं है, ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ऑल बॉडी ओन्ड कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, कि जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंस कर रही है तो उस पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन अगर उसको फाइनेंस गवर्नमेंट कर रही है तो आरटीआई एक्ट उस पर लागू होता है।
चलते हैं अगले सवाल पर। 26 सवाल है, 26 नंबर। आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन की भाषा में हो सकता है, मतलब आरटीआई एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेशन में भी, एप्लीकेशन किस में लिखा जा सकता है, इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज, ऑल ऑफ दी अबव। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, या जहां की रीजनल भाषा है वहां। 27वां सवाल, नागरिकों का आरटीआई, नागरिकों को आरटीआई प्रदान करने के लिए कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड या फ्रांस। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। चलते हैं अगले सवाल पर। पहला भारतीय राज्य जो आरटीआई पर एक कानून पेश करता है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ आरटीआई वाज, तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र या गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। 29वां सवाल, आरटीआई अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, 5, 10, 2 या 8। ऑप्शन सही है इसके ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आरटीआई एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर आपके सामने लाया गया। अब चलते हैं अगले एक्ट पर। अगला एक्ट कौन सा है, अब देखते हैं ह्यूमन राइट्स से संबंधित सवाल। ह्यूमन राइट्स से संबंधित सवाल में पहला है कि भारत में मानव अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1993, 94, 95 या 96। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1993, 1993। दूसरा है, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है, मतलब किसमें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, क्या ये राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन नंबर बी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जस्टिस ए के मिश्रा, जस्टिस एच एल दत्तू, या जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, या जस्टिस के बाला कृष्णन। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस ए के मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा अभी बन गए हैं, इससे पहले एच एल दत्तू थे। चलते हैं चौथे सवाल पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल ह्यूमन राइट्स का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993, इन द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन द कमीशन हैज नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट, या द चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या द कमीशन सेंड्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, कि जो द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ दिस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये गलत है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनके चेयरमैन को जो है कौन अपॉइंट करता है। छठा सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयर पर्सन या चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि बदल गया है। अगर आपने एनएचआरसी का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें कॉम्पिटिटिव वीडियो बनाया गया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऑप्शन है 3 ईयर्स और अप टू 62 ईयर्स, 5 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स, या 5 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स, या 3 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 साल और 70 साल जो भी पहले हो जाए। तो पहले ये 5 साल हुआ करता था, इसे घटा करके, अमेंडमेंट करके 3 साल कर दिया गया है। चलते
चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ मेन अपोजिशन पार्टी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रेसिडेंट जो है वो उस कमिटी में नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट की जगह पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और वो कमिटी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देती है और तब वो उसको अपॉइंट करते हैं। बहुत ही ट्रिकी सवाल था, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे। चलते हैं 8वां सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? एनएचआरसी का हेडक्वार्टर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता? बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, दिल्ली में। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब बदलाव किए गए? व्हेन चेंजेस हैव बीन मेड इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? 2001, 1999, 2006 या 2016 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2006 में इसमें नियम में बदलाव, मानवाधिकार अधिनियम में बदलाव किया गया। 10वां सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? रिपीट सवाल, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। चलिए तो अब देखते हैं जेजे एक्ट से संबंधित कुछ सवाल। तो जेजे एक्ट में क्या है? सबसे पहला सवाल जो कि पूछा गया था, बहुत ही अच्छा सवाल है, कानून के साथ संघर्ष में, कंफ्लिक्ट विथ लॉ, इन में किशोर की गिरफ्तारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ अ जुबेनाइल इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ? अगर कोई जुबेनाइल किसी प्रकार के लॉ को वायलेट करता है तो उसके संबंध में, गिरफ्तारी संबंध में कौन सा सही नहीं है? ही शुड नॉट बी हैंडीकैप्ड, उसे हैंडीकैप्ड हथकड़ी नहीं पहनाना जाना चाहिए। ही शुड नॉट बी पुट इन लॉकअप, लॉकअप में नहीं रखना चाहिए। ही शुड नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, उसको सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ही शुड नॉट बी आस्क्ड टू पुट हिज सिग्नेचर ऑन एनी डॉक्यूमेंट, उसे किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ही शुड नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो ये किस पे होता है? ये स्त्री के गिरफ्तारी पर होता है कि उन्हें सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर बहुत जैसा सरकमस्टांसेस नहीं बनता है तो। दूसरा सवाल है, जुबेनाइल या जस्टिस जुबेनाइल एक्ट 2015 के तहत कितने उम्र से अधिक बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? 12, 14, 16 या 18? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 16 साल। आते हैं आगे अगले सवाल पर। तीसरा सवाल, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 10 में या धारा कितने में संप्रेक्षण गृह, मतलब ऑब्जर्वेशन होम को डिफाइन किया गया है, ऑब्जर्वेशन होम के बारे में बताया गया है? सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 40? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 40 में ऑब्जर्वेशन होम्स के बारे में वर्णित है। किशोर न्याय या जेजे एक्ट 2015 की धारा, किस धारा में जो है बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है? सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29 या सेक्शन 30 में? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 27 में इसके बारे में बताया गया है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलते हैं अगले सवाल पर। उससे पहले आपको तीन यहां पर धाराएं दिखी जो कि इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 में क्या बताया गया है? प्रोसीज्योर इन रिलेशन टू कमिटी, मतलब जो सेक्शन 27 में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बनी है उसका प्रोसीजर किस में है? सेक्शन 28 में है। उस कमिटी की शक्ति, पावर्स ऑफ द कमिटी किस में है? सेक्शन 29 में है। और फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी जो है वो सेक्शन 30 में बताया गया है। तो अगर आप सेक्शन 27 याद कर लेते हैं तो उसमें कमिटी गठित होता है, 28 में उसका प्रोसीजर है किस तरीके से वो कमिटी गठित होगी, 29 में उसकी शक्ति और 30 में उसके फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक डैश द्वारा परिभाषित किया गया है।
ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय जुबेनाइल जस्टिस एक्ट, रेलवे एक्ट, आरपीयूपी एक्ट या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही आसान सवाल है, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जे जे एक्ट, जुबेनाइल जस्टिस एक्ट। छठा सवाल है जुबेनाइल, ये इतना शब्द हम सुन रहे हैं, तो ये जे जे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है जुबेनाइल? क्या वो सेक्शन 2 के 34, 2 के 35, 2 के 36 या 2 के 37? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 के 35 में बताया गया है क्या जुबेनाइल के बारे में। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब हम लोग जे जे एक्ट 2015 के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को देख लेते हैं जहां से सवाल आपके बनने की आशंका है। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, इसमें सबसे पहला 2 के 8 में आपको भीख मांगना, भीगिंग के बारे में बताया गया है। 2 के 12 में चाइल्ड बालक के बारे में बताया गया है, जो कि हु हैज नॉट कम्प्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, वो बालक में है। कंफ्लिक्ट, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ 2 के 13 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बताया गया है। 2 के 14 में है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक 2 के 14। और 2 के 19 में चिल्ड्रंस होम के बारे में बताया गया है, बालक गृह। और 2 के 20 में चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में बताया गया है, बालक न्यायालय के बारे में। 2 के 35 में जुबेनाइल किशोर के बारे में बताया गया है, जो भी 18 साल से कम उम्र का है उसे जुबेनाइल बोला गया है 2015 जे जे एक्ट के अनुसार। 2 के 40 में ऑब्जर्वेशन होम, संप्रेक्षण गृह के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो है सेक्शन 4, जिसमें जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी के बारे में, किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में बताया गया है। वहीं सेक्शन 6 में है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, उस व्यक्ति का स्थानांतरण जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का था। और सेक्शन 10 में यह बताया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी, अप्रिहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। चलते हैं अगले स्लाइड पर। यहां इंपॉर्टेंट है सेक्शन 21, ऑर्डर दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा। क्या होगा? नो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस टू डेथ और फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज फॉर एनी सच ऑफेंस आइदर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कि जब तक कि कोई स्पेशल केस ना बन जाए तब तक जो है किसी भी चाइल्ड को कंफ्लिक्ट विद लॉ होने पर डेथ मतलब मृत्यु दंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकेगा। चलते हैं सेक्शन 27 पर, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC के बारे में, बाल कल्याण समिति सेक्शन 27 में बताया गया है, जो कि पहले भी आपको जिक्र किया गया। उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो 4 धाराएं थी 28, 29, 30, उसके बारे में भी आपको वहीं पर बता दिया गया है। चलते हैं सेक्शन 47, ऑब्जर्वेशन होम डिस्क्राइब किया गया है, संप्रेक्षण गृह के बारे में बताया गया है। वहीं सेक्शन 48 स्पेशल होम विशेष गृह और सेक्शन 50 चिल्ड्रंस होम बाल गृह के बारे में बताता है। सेक्शन 75 में है पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चाइल्ड मतलब बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड के बारे में बताया गया है। और अगर आप सेक्शन 2 के 8 जहां भीख मांगना है, अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट फॉर चाइल्ड फॉर बेगिंग किसी बालक को भीख मांगने के लिए नियोजन करते हैं तो 76 के तहत जो है वो पनिशिबल बताया गया है। आगे जो इम्पोर्टेंट धारा है वो 78, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर वेंडिंग, पेडलिंग, कैरिंग, सप्लाइंग और स्मगलिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग लीकर, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो इसमें सजा क्या होगी आपको? कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 79, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉय किसी बाल कर्मचारी का शोषण। यह सेक्शन 81, सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर एनी पर्पज, बालकों का किसी प्रयोजन के से विक्रय या उसका उपापन, उसका अगर
आप सेल करते हैं या किस प्रोक्यूरमेंट करते हैं। चलिए, तो ये था जेजे एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जो धाराएं थी वो आपको इसमें कवर कर दिया गया। फिर से आपके लिए एक मोटिवेशन का कोट, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। तो इतने दिनों से सभी लोगों ने आपको जो ताना दिया, अब उनको सुनने का समय आ गया है, अब आपका समय आ गया है। आप इस एग्जाम को पास करके दिखा दीजिए कि आपके पास वो हुनर था, आपके पास वो हुनर है और आप उस हुनर के रखवाले हैं। आपने वैसी मेहनत की, आपने वैसे शिद्दत दिखाई, आपने वैसा जोश रखा, आपने वैसा धैर्य रखा, तभी जा करके आप यहाँ पर अभी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अगले स्लाइड को। अब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का प्रधान कार्यालय भारत के किस शहर या राज्य में स्थित है? हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मणिपुर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, बम विस्फोट या सुनामी? सही उत्तर है दोस्तों बम विस्फोट, ऑप्शन नंबर सी, ये तो मैन भी फोड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर तीन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड? होनोलुलु, हैदराबाद, गोवा या पुडुचेरी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, होनोलुलु में इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड है। आप कमेंट करके बताइएगा होनोलुलु कहाँ है। पांचवा सवाल, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात या कोलकाता? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? सुनामी वर्ड्स इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड? ग्रीक, इंडियन वर्ड, फ्रेंच या जापानीज? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जापानीज वर्ड से लिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार हवा के किस गति से बहने को सुपर साइक्लोन कहा जाता है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर, 220 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 220 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जब हवा चलती है तो उसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा निवारण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 15, मार्च 5, अक्टूबर 13 या सितंबर 13? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 13 को यह मनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर नौवा है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के प्रमुख निम्न में से कौन है? हु अमॉन्ग दीज हेड ऑफ द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी? क्या ये कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी का जो हेड है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। चलिए देखते हैं अगला, प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस, सवाल रिपीट हो गया है, अक्टूबर 13 को यह मनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष और किस गैस के कारण होती हुई थी? ये है 1986 में इथाइल आइसोसाइनाइड, 84 मिथाइल आइसोसाइनाइड, 1984 में पोटेशियम आइसोसाइनाइड या 1987 सोडियम आइसोथाइसाइनाइड? सही उत्तर है दोस्तों 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी।
नोवल कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ? इंडिया, चाइना, जापान, बांग्लादेश। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाइना। 13वां सवाल, WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, कन्वर्टिंग ऑफ माउथ एंड नोज विद अ मास्क, या मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग हैंड एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। कोरोना से एक सवाल आपका रहेगा, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? व्हिच मेथड इज वाइडली यूज्ड टू मेजर फ्लड वेरिएबिलिटी? FFI, FFMI, FI या FMI। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, FFMI। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। फ्लड से शुरू होगा और मेजर करना है तो इसको कमेंट करके आप बताइएगा FFMI का फुल फॉर्म क्या है। अगर नहीं पता हो तो गूगल करके भी कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको FFMI का फुल फॉर्म बता दिया, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स है। सवाल नंबर 15 है दोस्तों, कोरोना वायरस वायरस के किस परिवार से संबंधित है? एडिनोविडे, कोरोनाविडे, फिलियोविडे या नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोरोनाविडे से। 16वां सवाल है, आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न गतिविधियों की कितनी संख्या परिभाषित की गई है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज आर डिफाइंड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट? 4, 7, 5, 6। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 तरह की गतिविधि बताई गई है। कौन कौन सी है? तो पहला है इक्विटी ऑफ असिस्टेंस, मतलब पहले सहायता करिए, लॉस मैनेजमेंट कम से कम क्षति, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद कंट्रोल ऑफ इवेंट्स, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इम्पैक्ट रिडक्शन, और इमरजेंसी ट्रेनिंग। 17वां सवाल है दोस्तों, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? 7, 4, 8 या 5। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले प्लानिंग, योजना, दूसरा प्रिवेंशन, बचाव, निवारण, तीसरा प्रिपेयर्डनेस, तैयारी, चौथा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, और चौथा लास्ट जो है वो रिकवरी, स्वास्थ्य लाभ। तो इसको 3P2R से याद रखते हैं, प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। चलते हैं 18वें सवाल पर, बड़े पैमाने पर रोगों से हत्या को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? मास किलिंग डिजीज कैन बी रेफर्ड टू बायोलॉजिकल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, वायर डिजास्टर, फ्लड डिजास्टर। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल डिजास्टर उसे कहा जाता है। चले आगे। अगला सवाल है, भूकंप की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक? रिएक्टर स्केल, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी, नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मणिपुर, पंजाब, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है। चले आगे। अगला सवाल, आपदा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? द टर्म डिजास्टर इज डेराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या अरबिक? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच शब्द से लिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2003, 2005, 2006 या 2009? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था? द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? क्या है, 2007, 2009, 2010 या 2011 में? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति जो है कब हुआ था? ये सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2009 में।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, एनडीएमए के अध्यक्ष? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और छपने लायक सवाल है। होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या प्राइम मिनिस्टर? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित तंत्रों में शामिल है। मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंक्लूड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? ऑल ऑफ दी एबव। सही उत्तर है दोस्तों ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन नंबर डी, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो है एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए तीनों पद का गठन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करती है। अगला सवाल, आईएसडीआर का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट डिजास्टर रिसोर्स, इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन या इंटर गवर्नमेंटल स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग रिक्रिएशन? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27, भूकंप की परिमाण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक? रिएक्टर स्केल, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ या टिल्ट मीटर? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेजरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या रिएक्टर, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ या टिल्ट मीटर? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएमए? अभी पीछे आया है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डैम मैनेज अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट डक मैनेजमेंट अथॉरिटी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भूकंप क्या है? अर्थक्वेक इज अ जियोफिजिकल, भूभौतिकी आपदा, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, हाइड्रोलॉजिकल आपदा, मेट्रोलॉजिकल, मौसम संबंधी आपदा या कंपाउंड डिजास्टर, यौगिक आपदा? सही उत्तर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जियोफिजिकल डिजास्टर, भूभौतिकी आपदा, अर्थक्वेक है। चलते हैं अगले सवाल या अगले स्लाइड पर। चलिए इस तरह से ये पूरे स्लाइड को हम लोगों ने कवर किया। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के एनर्जीदायक और लाभदायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.